हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहा था कि एलसी ऑसिलेशंस, राइट। तो वी हैव डिस्कस द पहला स्टेज जो हम लोग का था, दैट वाज व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड। जब हम लोग स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा, द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो करेंट क्या होगा, दैट देयर विल बी फ्लो ऑफ करेंट। लेकिन क्या होगा, करेंट का सडन इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करेगा, इट विल अपोज द ग्रोइंग करेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग का केस में द चार्ज विल डिक्रीज बट करेंट विल इंक्रीज स्लोली। अब सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, करेंट मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई नॉट। अब इस केस में क्या होगा, चार्ज तो कैपेसिटर में जितना था वो निकल गया, तो चार्ज इज़ नाउ ज़ीरो इन द कैपेसिटर। लेकिन क्या होगा, देयर विल बी स्टिल फ्लो ऑफ करेंट। वाई? बिकॉज इंडक्टर विल नाउ सपोर्ट द डिकेइंग करेंट। तो मैंने आप लोग को बोला था कि जो इंडक्टर का काम होता है, इट विल ट्राई टू अपोज द ग्रोइंग करंट एंड इट विल सपोर्ट द डिकिंग करंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिकी हो रहा है, लेकिन इसको क्या करेगा इंडक्टर, इट विल ट्राई टू सपोर्ट द डिकिंग करंट। तो जैसे ही करंट को सपोर्ट करने लगेगा तो करंट तो कंटिन्यू होगा फ्लो करना, तो उस करंट के कारण कैपेसिटर का प्लेट्स में देयर विल बी अगेन डिपोजिशन ऑफ चार्ज। तो अब ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस होगा चार्जिंग वाला। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटर, कैपेसिटर इज़ नाउ अगेन गेटिंग चार्ज्ड। तो यहाँ पर कैपेसिटर का क्या हो रहा है, ये वाला कंडीशन है चार्जिंग का, राइट। तो करंट फ्लो करना कंटिन्यू रखा तो इसके कारण क्या हो गया, चार्जिंग होना स्टार्ट हुआ। अब करंट डिकिंग करंट जो था पहले, अब करंट आके कितना हो गया, नाउ द करेंट बिकम ज़ीरो बिकॉज ये तो डिक्रीज हो रहा था करेंट, तो ये डिक्रीजिंग करेंट को सपोर्ट किया था इंडक्टर ने। अब जितना इंडक्टर के पास एनर्जी था वो एनर्जी ख़त्म हो गया, तो करेंट भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन कैपेसिटर में क्या हो गया, कैपेसिटर के प्लेट्स में फिर से वापस चार्जिंग हो गया। अब कैपेसिटर में भी चार्ज आ गया, एक प्लेट में पॉजिटिव, दूसरा प्लेट में नेगेटिव। अब कैपेसिटर क्या बोलेगा, कैपेसिटर के पास तो चार्ज आ गया, नाउ कैपेसिटर विल अगेन स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर फिर से क्या होगा, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होने लगेगा। तो कैपेसिटर, अब सर्किट कैसे बनेगा, तो सर्किट विल बी लाइक दिस, राइट। अब इंडक्टर के पास एनर्जी ख़त्म हो गया, लेकिन क्या हो गया, कैपेसिटर नाउ विल स्टार्ट फंक्शनिंग। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब क्या होगा, नाउ कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज होने लगेगा तो फिर से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट विल अगेन स्टार्ट फ्लोइंग, राइट। तो करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इंडक्टर क्या बोलेगा, करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन करंट का रेट ऑफ इंक्रीज को अपोज करेगा इंडक्टर। तो करंट नाउ विल इंक्रीज, राइट। तो करंट अब बढ़ने लगेगा लेकिन चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज इज़ डिक्रीजिंग नाउ बिकॉज दिस इज़ द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। अब फिर से वापस घूम फिर के वही वाला पिछला केस रिपीट होने लगेगा। तो पिछला केस क्या था, फिर से करंट क्या होगा, फिर से करंट विल अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, चार्ज विल बिकम ज़ीरो, लेकिन इंडक्टर के कारण क्या होगा, डिकिंग करंट को सपोर्ट करेगा। फिर से चार्ज जमा होगा कैपेसिटर का प्लेट्स में, फिर से कैपेसिटर को एनर्जी मिलेगा, फिर से चार्ज फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है दैट विल कंटिन्यू। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट केस पे क्या था, फर्स्ट केस में डिस्चार्ज हो रहा था, राइट। इन द फर्स्ट केस द कैपेसिटर वाज डिस्चार्जिंग, राइट। कैपेसिटर क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। ये किसका कंडीशन था, डिस्चार्जिंग का, राइट, डिस्चार्जिंग का, ठीक है, डिस्चार्जिंग का। अब सेकंड केस में क्या हो गया, सेकेंड केस में कैपेसिटर के पास जितना चार्ज था वो ख़त्म हो गया, चार्ज क्या हो गया, बिकम ज़ीरो, लेकिन करंट विल स्टिल फ्लो, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस है डिस्चार्जिंग, तो हो गया चार्ज बिकम ज़ीरो हो गया। तो अब क्या होगा, इस करंट की वजह से यहाँ पर इस प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट में फिर से क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज होने लग गया, ठीक
ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होने लग गया, तो यहाँ पर फिर से क्या कंडीशन आ जाएगा, फिर से यहाँ पर चार्ज बनने लगेगा, तो यहाँ पर प्लेट्स में देयर विल बी चार्ज अगेन डेवलप राइट, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर इंडक्टर में जितना एनर्जी था वो तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर करंट क्या हो गया था, ज़ीरो हो गया था, लेकिन कैपेसिटर क्या बोलेगा, कैपेसिटर बोलेगा कि अब तो मेरे पास चार्ज आ गया, नाउ अगेन द डिस्चार्जिंग प्रोसेस विल स्टार्ट एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला केस में क्या था, सिंस द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटर का एनर्जी इज़ गिवन बाई क्यू स्क्वेयर बाई टू सी राइट, जिसको हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ पर जैसे चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन इंडक्टर का एनर्जी कितना होता है, अभी हम लोग डिराइव किया था हाफ एल आई स्क्वेयर, तो जैसे करंट बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ द इंडक्टर विल इंक्रीज राइट, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्चार्जिंग का केस में द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल डिक्रीज, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल स्लोली इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पर देखिए एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो जब करंट बढ़ेगा तो इंडक्टर का एनर्जी विल इंक्रीज, लेकिन कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा, दैट विल डिक्रीज, अब सेकेंड स्टेज में क्या होने लगेगा, कैपेसिटर विल नाउ गेन एनर्जी, लेकिन इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर का एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगा, बिकॉज क्या हो रहा है, करेंट डिक्रीज हो रहा है, तो करेंट डिक्रीज होगा तो एनर्जी इन द इंडक्टर विल स्लोली डिक्रीज, लेकिन क्या हो रहा है, चार्जिंग का केस में चार्ज विल बी डिपोजिटेड इन द कैपेसिटर, तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल स्लोली इंक्रीज, फिर से क्या होगा, फिर से डिस्चार्जिंग होने लगेगा, तो फिर से इंडक्टर के पास एनर्जी बढ़ने लगेगा, लेकिन कैपेसिटर के पास एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, तो ये सारा जो खेल है सो सब ये एनर्जी का है, तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनर्जी इज़ ऑसिलेटिंग राइट, कैसे ऑसिलेट हो रहे, पहले एनर्जी बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी इज ऑसिलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज़ नोन एज द एल सी ऑसिलेशंस, तो यहाँ पर दोनों एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे, कैपेसिटर का एनर्जी भी और इंडक्टर का एनर्जी भी, तो यहाँ पर किसका ऑसिलेशन होता है, एनर्जी का ऑसिलेशन, पहले कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ेगा उसके कारण इंडक्टर का एनर्जी डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, इंडक्टर का एनर्जी बढ़ेगा लेकिन कैपेसिटर का एनर्जी डिक्रीज होगा, फिर से क्या होगा, कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ने लगेगा, इंडक्टर का एनर्जी कम होने लगेगा, तो ऐसे करके देयर विल बी ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फेनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इट इज़ नोन एज द एल सी ऑसिलेशंस, तो इसी को बोला जाता है हम लोग को एल सी ऑसिलेशन, तो इसका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एल सी ऑसिलेशन, तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, थैंक यू।